इसके अंदर मुझे पढ़ना है, सो दैट आई विल डू इट. लेकिन उससे पहले कितना टफ था आपके लिए बुक लिखना और किसने आपको ज्यादा इंस्पायर किया? सी, इंस्पिरेशन तो हर रोज की होती है. इंस्पिरेशन इज एवरी डे अराउंड मी बिकॉज आई लिव अमॉन्ग द वॉरियर्स, आई लिव अमॉन्ग द सोल्जर्स, एंड हर रोज उनकी बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइफ होती है. दे गो ऑन ऑपरेशंस, और नहीं भी कुछ करते हैं तो बहुत ही मजेदार सी लाइफ होती है. तो इंस्पिरेशन एवरी डे बिकॉज एवरीबडी इन आर्मी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? सो द स्टोरीज अराउंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो वहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको कंपाइल कैसे करेंगे, एक प्लॉट में एक थ्रेड में कैसे लाएंगे. दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन यू राइट अबाउट आर्मी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट आर्मी, और उसको किस शेड ऑफ लाइट में आप प्रेजेंट करें, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग आर्मी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी इमोशंस एक्चुअली, यू नो. यस, एंड आर्मी इज स्पेशली वन थिंग व्हिच इज वेरी रिक्वायर्ड टू इंस्पायर द यूथ टुडे, राइट? दैट आर्मी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट वे में, पेट्रियोटिज्म एंड वैलर के कॉन्टेक्स्ट में, दैट आई फील एज एन ऑथर दैट ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट करें सो दैट द यूथ, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी मिलेनियल है, उनको टू सर्व द कंट्री की इंस्पिरेशन मिले, और किन एथोस पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या हमारी आर्मी के जो रोज के फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर आर फ्रीडम फाइटर्स, दे आर फाइटिंग फॉर आर फ्रीडम, बॉर्डर्स पे हैं, सियाचिन में रोज जान दे रहे हैं, राजस्थान में हैं, एंड एवरी सिंगल, एंड यू नो व्हाट, यू आर अ आर्मी वाइफ सो यू गेट टू नो सो मेनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एरियाज दैट आर्मी हैव. लेकिन मैं पर्सनली एज अ लेमैन एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स विच आर कवर्ड, विच आर नॉट फॉर द पब्लिक पीपल, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से वो लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो मुश्किलें हमें वो सामना करना ही नहीं है, चाहते ही नहीं है कि हम लोग करें उसे. दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज सो कवर्ड अप कि लोगों को पता ना चले कि हमारी मुश्किलें क्या है, लेकिन देश जो है वो आबाद रहे, दैट इज आर, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही एक मोटो होता है. तो आई फील कि व्हेन एवर यू आर राइटिंग एनीथिंग और कुछ भी करते हैं, तो यू शुड ट्राई टू इंस्पायर द यूथ, राइट? तो रिसर्च राइट काइंड से करना चाहिए सो दैट आपकी सही चीजें बाहर आए और गलत चीजें, क्योंकि बहुत सारा कुछ बहुत वायलेंट भी होता है, बहुत कुछ होता है जो पब्लिक के सामने जाना भी नहीं चाहिए, राइट? राइट, ट्रू. जो कोवर्ट है कोवर्ट रहना चाहिए. अभी आर्मी ऑपरेशंस की बहुत ज्यादा हाइप करनी भी नहीं चाहिए, उतना ही करनी चाहिए जितनी जरूरत हो. एग्जैक्टली, क्योंकि यू नो व्हाट, व्हाट आई पर्सनली फील, आज मैं ऑफिस खत्म करके घर जाऊंगी आफ्टर 9 आवर्स, बट द आर्मी पीपल, they used to stay in some places away from their family for months, for years. देखते भी नहीं है, just a letter, or maybe अभी mobile phone है, WhatsApp है, or maybe the networks. आप विश्वास करिए, मोबाइल फोन्स भी वो ऐसी जगह पे होते हैं ना, वो एनिमी एरिया या मतलब बिलो एनिमी लाइंस भी होते हैं, कभी पास में भी होते हैं, ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क्स नहीं होते हैं, हाफ द टाइम देयर इज नो नेटवर्क, और आप आर्मी फोन पे डिपेंडेंट रहते हैं, पर उसका भी कनेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बहुत आज के जमाने में मतलब विश्वास करना कि मोबाइल फोन्स पे भी नहीं है बहुत मुश्किल है. एग्जैक्टली, बट ये मोस्टली ऐसी जगहों पे रहते हैं वहाँ मोबाइल फोन्स नहीं होते हैं. वेल, स्वप्निल, आप खुद भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, सो अपने अंदर एक ऐसा इंसान आपको क्रिएट करना है जिसके इमोशंस देश के आगे नहीं जाएंगे. नो, आई कैन नॉट शो माय इमोशन इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि योर हस्बैंड इज गोइंग, डेफिनेटली आपके फैमिली से या फिर यू नो सम पीपल, फ्रेंड्स जो जाएंगे, सो ये जो इमोशन है ना कि अपने आप को एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन आपको बनाना है, कितना टाइम लगा आपको ये करने में? ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन इतना एप्ट है बिकॉज आर्मी में एक कहावत है कि जब भी बाहर सिविल से लड़की आती है, जो आर्मी बैकग्राउंड की लड़कियां हैं, आर्मी ब्रैट्स हैं या आर्मी फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, उनको तो फिर भी थोड़ी ग्रूमिंग होती है, बट आर्मी बोलते हैं कि आर्मी लाइफ सिविल लाइफ अलग होती है, दैट्स अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज जो कुछ भी नॉर्मल इमोशंस, नॉर्मल फीलिंग्स जो सिविल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, उनको लेके आप एक आर्मी सोल्जर के साथ अपनी लाइफ नहीं लीड कर सकते हो. तो हमको यहाँ पे बोला जाता है, आर्मी वाइफ्स को साइलेंट रैंक बोलते हैं. एक दर्जा दिया गया कि वाइफ के रैंक, जैसे हस्बैंड मेजर है तो वाइफ वुड बी लेफ्टिनेंट कर्नल, कि इट इज अज्यूम्ड दैट व्हेनेवर वॉर विल ब्रेक आउट तो मेन विल गो आउट, सारे मेन चले जाएंगे, सारे सोल्जर्स चले जाएंगे. जैसे अभी डोकलाम हुआ था यहाँ पे, तो ब्रिगेड्स की ब्रिगेड्स यहाँ से खाली हो गई थी, तो इट वुड बी ओनली वुमेन इनसाइड द कैंटोनमेंट. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज वुमेन टू लुक आफ्टर ईच अदर. तो उनको एज अ कैप्टन वाइफ जब आप एंट्री करते हैं इस ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट इज द मतलब उनको ग्रूम करते हैं यंग वाइफ्स को, जैसे हमारे घर में बहुएं नहीं आती हैं, सास उनको ट्रेन करती है, हमारे घर का ट्रेडिशन ये है और इसको ये मानो. तो कैप्टन वाइफ को आप ट्रेन करना शुरू करते हैं, जो कर्नल्स वाइफ है,
कमांडर्स वाइफ है, और करते करते मेजर्स वाइफ में 2-3 साल तो आराम से लग जाते हैं. और इनके तरीके भी बड़े अलग अलग हैं, उनके खाने के तरीके अलग हैं, उनके फोक्स अलग हैं, उनके नोशंस अलग हैं, तो कपड़े भी बहुत अलग तरीके से पहनने पड़ते हैं, ड्रेस कोड्स को बहुत ही प्रॉपर लेना पड़ता है. मतलब आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हर कुछ परफेक्ट करती है. आप उनको अर्थक्वेक में भी बुला रहे हो बिकॉज पता है कि कोई डिलीवर करे नहीं करेंगे करेंगे, तो आपको एज अ पर्सन भी बहुत परफेक्शन की तरफ अचीव करना पड़ता है. मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ अपने डैड से कि इफ देयर इज अ सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, मे बी अ एंटी सोशल और एनीथिंग, अब आर्मी आ गई तो सेटल हो जाएगी. सो पीपल हैव दिस मेंटालिटी इन देयर माइंड कि आर्मी कुछ भी कर सकते, दे कैन मेक रोड्स, दे कैन डू एवरीथिंग.